हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये जो 13R का ड्रिल मशीन है इसमें स्विच कनेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारा तार यहाँ से निकलता है, तो ये देखिए ये जो बहुत सारा तार निकलता है उसको कैसे हम वायरिंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। पहले भी एक वीडियो बनाया था, इसमें थोड़ा बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाओ, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से मैं ये वो स्विच में आपको बस नॉर्मली दिखाया था, लेकिन इसमें पूरा कनेक्शन करके बताऊंगा इसमें क्या कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए ये स्विच है, और ये देखिए ये जो ऊपर में जो मोड चेंजर है, तो ये लेफ्ट राइट बटन जो काम करता है स्विच जो उल्टा सीधा घूमता है, तो उसके वजह से ये जो चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको कनेक्शन करना है। इसमें दोस्तों ये जो स्विच है ये दो चीज़ें यहाँ पे ऊपर लगता है। ओके ये देखिए ये कनेक्शन हो गया, तो ये अलग रहता है, ये देखिए ये पूरा अलग है, ये अलग है। तो ये स्विच ऑन ऑफ का काम करता है और ये लॉक का काम करता है। ये देखिए प्लस इसमें वेरिएबल भी रहता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ये स्विच का काम है। लेकिन दोस्तों ये आपका जो चेंज रहता है, मैं आपको बता दूँ, जो जैसे कि लेफ्ट राइट घूमता है तो काम यहाँ पे होता है। देखिए इसमें आपको डायरेक्शन भी दिया गया है, आप इसको चेक करके भी लगा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा, तो इसमें कोई देखने की कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। ये पूरा नॉर्मल सा चीज है, अगर आपका माइंड में एक बार घुस गया तो दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं और दिखाते हैं हमको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी आप ले लो कॉइल, इसमें चार तार निकलता है। ये देखिए मैं इसको खोल लेता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं कार्बन का जो कनेक्शन है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये दोनों कार्बन का बाहर निकाल लेता हूँ, ये निकल गया। और निकलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए चार तार, कोई भी आप पकड़ लो कॉइल में चार तार निकलता है, कंपलसरी चार तो तार निकलता है। एक आपका पावर दोनों तरफ जो केबल रहता है वो कार्बन में लगता है, और ये जो दो है ये आपका मेन सप्लाई रहता है, पावर सप्लाई जो रहता है। ओके इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे मेन चीज यहाँ पे देखिए ये जो दो तार है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए अब ये जो दो तार को यहाँ पे आपको लगाना है, तो कैसे लगाओगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे तीसरा चीज यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन होल्डर है इसको भी मैं लगाऊंगा। ओके तो चलिए इसको मैं खोल दिया था, तो दोबारा हम इसको फिट कर ले, चलो बाद में फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पे ये लेफ्ट रहता है। ओके यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में दिखाया जाएगा, यहाँ पे स्विच ऐसे लगता है। ओके ऐसे लगता है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट है और नीचे राइट है, तो इस तरफ आपको क्या करना है, ये देखिए ये ऊपर वाला तार हमको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए यहाँ पे लगा सकते हो आप, लगा लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए चार पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4। ओके ये देखिए अब यहाँ पे जो दो जो मेन सप्लाई है इसको हमको बांध के रखना है, इसमें कोई भी हमको काम नहीं है अभी, कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। तो मेन काम जो यहाँ पे ये जो दो चीज है। ओके तो ये देखिए तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे रखना है, ये नीचे रहता है ध्यान दीजिए, ये ऊपर रहता है ऐसे लगता है, तो हमको ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है हमको, फिर हमको क्या करना है ये जो पॉइंट है तो ये इस पॉइंट में हमको लगाना है। देखिए जो मैं लगा रहा हूँ वो ध्यान दीजिए, बाद में आपको समझा दूंगा क्या कैसे कनेक्शन होता है। ओके तो कॉइल से जो तार निकला है तो यहाँ पे लगेगा, फिर आपको यहाँ पे जो देखिए ये जो कार्बन होल्डर है तो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है। ओके फिर हमको क्या करना है, उसी के बगल में हमको ये लगाना है, ये जो पॉइंट है तो इसी को हमको इसी के बगल में लगाना है। ओके ये लग गया, काम खत्म। दूसरी चीज आपको यहाँ पे आप लगे हो इसी का ये पॉइंट का, इसी में आपका कार्बन होल्डर लगाया हो और ये कॉइल का जो कनेक्शन है उसमें लगाया, तो उसके नीचे आपको ये चीज मिल जाएगा। देखिए ये जो जो कॉइल का तार है तो इसको आपको क्या करना है, ये देखिए ये कॉइल का तार यहाँ पे लगा है, तो इसमें आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, उसके ऑपोजिट ये जो तार है उसके ऑपोजिट साइड में इसको लगाना है आपको। ओके ये लग गया, काम खत्म। दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखिए दूसरा कार्बन होल्डर मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पे लगा लो, इसको आप नीचे से ला लो। ओके
तो यहाँ पे देखिए, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, इसको आपको यहाँ पे, चलो इसके अंदर दे देते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन होल्डर कनेक्शन हो गया। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, कार्बन होल्डर में देखिए कार्बन होल्डर का कनेक्शन है, ये देखिए कार्बन होल्डर से ये निकला है, तो आपको इसमें ऊपर में आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए कार्बन होल्डर कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऐसे लग गया। ओके, ये हो गया। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये जो कॉयल है, कॉयल से पॉइंट यहाँ से निकला है और दूसरा कॉयल का पॉइंट यहाँ से उसके अपोजिट साइड में लगा है। ओके, उसके अपोजिट साइड में ये लगा है। कार्बन का दो पॉइंट है, यहाँ पे एक कार्बन का है और उसके अपोजिट साइड में ये कार्बन लगा है। ये जो कार्बन यहाँ पे लगा है उसके अपोजिट साइड ये होता है, मतलब ये साइड में देखिए ये होता है, तो ये यहाँ पे लग गया। तो ऐसे कनेक्शन होता है ये चीज है। अब अगर उसको घुमा के लगाओगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर ये इसको आपको यहाँ पे करोगे तो ये राइट राइट में घूमेगा, और यहाँ पे ऐसे करोगे, देखिए यहाँ पे ये मेन चीज लेफ्ट है, तो लेफ्ट ये ऐसे लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट घूमना चाहिए। अगर उसको डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो ये लेफ्ट ने राइट घूमेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा। ओके, चलो ये ऐसे आप कनेक्शन कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, देखिए कॉइल से दो पॉइंट निकल रहा है, ये कॉइल का पहला ए पॉइंट दिया हूँ और दूसरा कॉइल का पॉइंट यहाँ पे दिया हूँ, और यहाँ पे कार्बन में दो पॉइंट निकल रहा है और मेन पहला कार्बन यहाँ पे मैं दिया हूँ, मतलब इसके बगल में जो कार्बन, ये जो लेफ्ट वाला, यहाँ पे दिया हूँ और इसके पास में ये कार्बन होल्डर लगा है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, राइट वाला पॉइंट मैं यहाँ पे दिया हूँ, ये देखिए रेड वाला, जो मतलब ये कॉइल से निकला है, फिर उसके पास में जो कार्बन होल्डर है उसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हूँ। काम करता हूँ और कोई चीज नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखिए, और जो चीज यहाँ पे देखिए, दो मेन पावर सप्लाई रहता है, ये देखिए इसको हमको बाद में देखेंगे, और ये मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे लगा देना है स्विच, फिर आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है, सबसे आसान चीज़ है। तो ये थोड़ा दिक्कत करता है बहुत लोगों को, उसके वजह से हमको मुझे बहुत कॉल भी करते हैं, भाई ये क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा दोबारा बताइए। तो इसके वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ। मेन चीज़ यहाँ पे देखिए, दोनों पावर सप्लाई जो है, यहाँ पे देखिए दो पावर सप्लाई निकला है, तो हमको ये पहला पावर सप्लाई यहाँ पे दे देना है, मतलब देखिए दो पॉइंट है जो स्क्रू वाला, इसको हमको इसमें हम दोनों पावर सप्लाई को लगा देंगे। ओके, और दूसरा पावर सप्लाई मैं यहाँ पे दे दूंगा, ये देखिए यहाँ पे दूसरा पावर सप्लाई मैं दे दूंगा स्क्रू टाइट निकाल के। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रू है उसमें हम लगा देंगे पावर सप्लाई। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इसको मैं कनेक्शन नहीं किया हूँ, ये अर्थिंग वाला है, इसको हम कोई इसमें काम नहीं है, इसको हम छोड़ लें। ये जो पावर सप्लाई, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड में हमको ये स्क्रू, दोनों स्क्रू में हमको लगाना है, काम खत्म। और आखिर में हमको लास्ट में हमको ये जो दो पॉइंट बाकी रहेगा कॉइल से, और दो पॉइंट निकला है। ओके, दोनों पॉइंट हम, दोनों जो कार्बन का पॉइंट है, मैं यहाँ पे ऊपर वाला स्विच में लग गया, फिर उसमें कार्बन मतलब कटिंग, ये जो ओ प्लस, यहाँ पे चार कनेक्शन यहाँ हो गया। मैं दोबारा खोल दे रहा हूँ उसको। ओके, चलो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये हो गया काम। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए मैं कनेक्शन यहाँ पे दिया हूँ और ये हमेशा डायरेक्ट रहता है, ये जो पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट आप दोगे, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट देना है। ओके, ये आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो ये साथ में भी आप लगा के दे सकते हो, ये डायरेक्ट हो जाता है, हमेशा ये डायरेक्ट रहता है। ओके, तो इसके वजह से हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, जो चीज है तो यहाँ पे हम उसको लगा लेते हैं। ओके, चलो ऊपर में लगा देते हैं, कोई आप किसी में यहाँ पे कोई भी पॉइंट में आप दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, ये डायरेक्ट रहता है, हमेशा ये डायरेक्ट रहता है। और मेन चीज यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है जो मैं रेड वाला दिया हूँ, ये आपका स्विच का काम करता है, जैसे कि आप उसको प्रेस करोगे तो पावर सप्लाई, आपको इसको प्रेस करोगे तो पावर सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमको इसको कनेक्शन करना है। ओके, चलो इसमें नहीं तो इसमें थोड़ा टाइट रहता है, तो इसमें आपको लगा सकते हो, इसमें हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम उसमें एक पावर सप्लाई देंगे, ये देखिए बॉल जल रहा है मेरे पास, ये सीरीज बॉल है, थोड़ा आपको दिखाई देगा तो इसलिए मैं रख लेता हूँ। ये देखिए ये जल रहा है, अभी हमको देखिए स्विच ऑफ है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक पन कनेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं नहीं जलेगा, हम उसको स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए जलने वाला है। ओके, ये देखिए ये जल रहा है,
लेकिन इसमें दोस्तों पूरा डायरेक्ट रहता है, स्विच ऑन करने में भी डायरेक्ट चलता है, ऑफ करने में भी डायरेक्ट चलता है। ओके, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई नहीं इशू नहीं है। आप इसमें देखिए दो कॉइल, कॉइल से जो दो ब्लू वाला निकल रहा है इसको आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट करना है, और इसी का पॉइंट यहाँ पे देखिए रेड कलर में, यहाँ पे इसको स्क्रू का पॉइंट यहाँ पे रहता है, ये देखिए, ये इधर इसमें दे सकते हो नहीं तो इसमें दे सकते हो, ये दो पॉइंट में हमेशा कोई भी आप स्विच ले लो, इसमें दो पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें दे सकते हो नहीं तो इसमें दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, चलो ये हो गया, काम खत्म, और इसमें कोई चीज बात नहीं है, बड़ा बात नहीं है, ये नॉर्मल सा चीज है, अब इसमें लगा सकते हो। ओके, अभी ये हो गया रेडी, हमको यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो कनेक्शन है हम सर अंदर, ये देखिए ये जो कनेक्शन है ये अंदर आने चाहिए, ये देखिए मैं अंदर दिया हूँ, इसको भी हम दोबारा खोल लेते हैं, इसके अंदर से ये तार को निकाल लेते हैं, ये देखिए अंदर से निकल गया, अंदर से चला गया, फिर ये हम जब फिटिंग करेंगे तो परफेक्ट होगा। ओके, इसको हमको दोबारा लगा लेते हैं, ये हो गया काम, काम खत्म। अभी दोस्तों मैं आपको फिटिंग कर रहा हूँ, तो अभी दोस्तों ये काम खत्म हो गया है, और इसमें कोई चीज बड़ा बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो इसको मैं फिटिंग कर रहा हूँ, फिटिंग करने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें सही चल रहा है या कोई गड़बड़ी हुआ, तो मैं उसको फिटिंग कर देता हूँ, नॉर्मल सी चीज है। ओके, यहाँ पे देखिए ये फिटिंग हो गया है, जितना भी स्क्रू यहाँ पे मैं नॉर्मल यहाँ पे स्क्रू टाइट कर लिया हूँ, और देखिए हमेशा क्या कीजिए, ट्राई कीजिए सीरीज में चलाना, लेकिन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी मशीन के लिए, अब कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो सीरीज में सब पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए घूम रहा है, तो हम उसमें देखिए, ये देखिए लेफ्ट में है, ये तो लेफ्ट घूम रहा है, ये देखिए लेफ्ट घूम रहा है, घूम रहा, फिर हम उसको घुमाएंगे राइट में, तो ये राइट घूमेगा। ओके, फिर हम पावर सप्लाई देंगे, दिखाएंगे आपको। फिर हम इसको लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट घूमेगा। इसको हम राइट करेंगे, देखिए ये राइट करेंगे, राइट घूमेगा। ओके, ये देखिए, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये नॉर्मल सा चीज है, कोई भी कर। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, अगर आपके व्हाट्सएप स्टेटस है तो स्टेटस में डालिए ये वीडियो को, दिखाइए सामने वाला को जो आपके साथ है, जो इसको चलाने चाहता है, जो चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इस साल मेरा 2022 में 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, तो ट्राई करेंगे 2023 में कुछ आगे अच्छा चीज लाने के लिए, और आपके ये जो हमारा फैमिली है तो थोड़ा बड़ा करने के लिए। थैंक यू।